नमस्कार, मैं मानव सोहन, मैं राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट दे रहा हूँ। मेरी फिल्म मैं राज कपूर भैया से। सो बेसिकली ये जो मेरी फिल्म है ये राज कपूर साहब की लाइफ पे नहीं है, ये उनके एक फ़ैन की कहानी है। दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ ह्यूज फैन ऑफ मिस्टर राज कपूर, जिसको मैंने बहुत दिल से बनाया है। स्लम्स का एक बंदा है जो बेसिकली आई एम प्लेइंग दैट रोल। मैं राज कपूर का फ़ैन हूँ उसमें, और मेरी जो कहानी है वो बेसिकली राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट किए मैंने इसलिए क्योंकि उनकी जो फिल्में हैं उनकी फिल्मों की छवि है। जैसे आपने उनकी पुरानी फिल्में जब भी देखी होंगी तो उसमें उनकी छवि है। दूसरा, मैं बचपन से ही राज कपूर साहब का फ़ैन था, और जैसा राज कपूर साहब का गाना है कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार जीना इसी का नाम। तो वो जो आंसू है मेरे इस फिल्म में भी बहते हैं, उसमें आपको राज कपूर साहब की छवि दिखेगी, उनकी फिल्मों की झलक दिखेगी। और इसके गाने रिलीज हो चुके हैं, गली का एक आवारा गाना भी मिल चुका है। आज इतना रहो गाना हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसका जो हमने आवारा उनसे इंस्पायर होकर बनाया है। आप हमारा गाना देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। इफ यू वॉन्ट टू एनीथिंग आस्क मी प्लीज टेल मी। सर, आज यहाँ पे क्या लॉन्च करने सर? ये एक तारा हूँ गाना है जो हमारी फिल्म का है, ये लॉन्च करना है। मुझे तो मेरी जरूरत है सर, ये तो 17 को रिलीज हो रही है ऑल इंडिया में। और इसके अलावा मेरी फिल्म में मैं राज कपूर को पोर्ट्रेट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं उनके फैन का किरदार कर रहा हूँ। लेकिन मैं जिसे भी देखता हूँ, बस उसे देखता हूँ तो मैं उसे अपनी नरगिस दिखती है। तो इस फिल्म में मेरे साथ श्यामी गोस्वामी भी है, श्यामी जो उन्होंने मैंने काफ़ी सीरियल्स में भी काम किया है, जैसे बालिका वधु है इनका, महाराणा प्रताप है, शक्तिमान है, आर्यमान है। आई हैव डन सो मैनी सीरियल्स ऑल्सो, मेरी फिल्में भी आ चुकी हैं। और श्रावणी से आप बात कर सकते हैं? जी, मैं भी श्रावणी बोल रही हूँ। मैंने भी बहुत सारे सीरियल्स किए और एक फिल्म में मुझे बहुत अच्छा मौका मिला है। मैं भी कई मूवीज़ में भी कर चुकी हूँ, और इस फिल्म में मुझे बहुत अच्छा एक मौका मिला है। और मेरा जो किरदार है, लक्ष्मी का रोल प्ले कर रही हूँ मैं। और ये राज कपूर का बहुत बड़ा फैन होता है जो राज, और इनकी नज़र में मैं नरगिस करती हूँ। वैसे हमारे यहाँ पे दो लीड और हैं जो प्ले कर रही है, और सब मतलब किरदार में सभी लोग माहिर हैं और सारे अच्छे एक्टर्स हैं। और जो मेरे सीरियल्स मैं कर चुकी हूँ, सीरियल का नाम है ये रिश्ता कहलाता है, कैरेक्टर्स करती हूँ बालाजी के दुबले भाग की अभी कर रही हूँ, और अभी कर रही हूँ मैं नथ जो दंगल में आ रहा है। और मैं उम्मीद करती हूँ फिल्म रिलीज़ हो रही है 17 तारीख को 17 फिफ्थ को। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, कर रही हूँ कि जरूर देखें, और हमारी फिल्म बहुत अच्छी होगी। मैम, क्या रोल मिलेगा इस मूवी में आपका? क्या खास रोल होगा आपका इस मूवी में? इस मूवी में मेरा बहुत अच्छा रोल है, बहुत ही चैलेंजिंग है। लक्ष्मी का किरदार है, और ये लक्ष्मी कौन है पब्लिक देखेगी तो पता चल जाएगा, पर इनकी नज़र में, राज की नज़र में ये भी नरगिस ही है। जो राज का जो रोल है वो एक राज कपूर जो फैन है, डाई हार्ट फैन है। और आप देखिए, राज कपूर के याद में इस फिल्म को बनाया जा रहा है। बहुत सालों के बाद मुझे ऐसा लगा उनको याद करके, वो एक लेजेंड उनको याद करके हम आज स्पेशली आरती स्टूडियो के सामने आके इस इवेंट को कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ अच्छा है, सर आपके रोल क्या है, मतलब रोल है आपका? मैं एक इसके अंदर एक डॉक्टर का किरदार कर रहा हूँ, और मानव भाई ट्रावली जी काफ़ी सीनियर हैं, बहुत सारी फिल्में की हैं सर के साथ, भारत के साथ। मैं ये सुनता हूँ डेडिकेटेड फिल्म राष्ट्र कुछ आपको है, सो आप इसको प्यार से देखें, बहुत अच्छी तरह देखें, बहुत सराहें, ये रिक्वेस्ट करूँगा मैं आप लोगों से। जबकि मेरा सवाल है, मेरा ऐसा बहुत बड़ा किया है, तकरीबन 400 एड फिल्म की हैं। अभी फिलहाल एक डेली शो कर रहा हूँ जिसका नाम है मालकोल स्टापलस मास्टर, एंड लुकिंग फॉर फॉर द फिल्म फिल्म। और सर, मेरी जो फिल्म है मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने बड़ी बड़ी फिल्मों को कवर किया होगा, बड़ी बड़ी फिल्में करोड़ों रुपये के बजट में बनती हैं, बट ये फिल्म मैंने जो बनाई है ये बहुत मैंने अपने दिल से बनाई है, मैंने दिमाग से नहीं बनाई। मैं जब इस किरदार को लिख रहा था तब भी मैंने इस किरदार को जाके चौल में रह के मैंने महसूस किया कि ये किरदार कैसा होना चाहिए। दूसरा, मेरी फिल्म पूरी रियल इवेंट्स पे है,
लेकिन फिल्म कोई भी फेक नहीं है, इसमें जितने भी फिल्म में सीक्वेंस है सब रियल है। यानी कि जो चीज़ें दुनिया में लोगों के साथ घटी हैं, जो रिलेशनशिप है, जैसे कि आज की डेट में लोगों के बीच में रिलेशनशिप नहीं रही, आज लोग कमर्शियली ज़्यादा हो गए, बट कोरोना ने हमें सिखाया कि आपस का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। तो कपूर साहब की फिल्मों की ये फिलोसफी होती थी कि वो इंसान जो इंसान समझते थे, मतलब के लिए किसी के साथ नहीं जुड़ते थे, एक रिश्ता दिल से बनाते थे। तो ये जो मेरी फिल्में ये उनके रिश्तों में है, मैंने दिल से रिश्ता बनाया है। इस फिल्म के अंदर जो भी मैंने दिखाने की कोशिश की है वो आप लोगों को ये सोचने पर मजबूर करेगी कि इंसान पहले है, इंसानियत पहले है, पैसा फैम ग्लैमर ये सब बात की बातें हैं। जब वक्त आता है तो इंसान को अपने रिश्ते ही काम आते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी मेरा नाम जितेन मुखी है और मैं इस फिल्म के अंदर एक छोटा सा किरदार कर रहा हूँ जो कि एक डॉक्टर का है। और जब तक फिल्म की बात है, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट लो मैं राज कपूर बन गया। तो ये फिल्म जो है राज कपूर साहब को डेडिकेटेड है और बड़ी अच्छी और सुंदर फिल्म बनाई है, आप ज़रूर देखें, फिल्म को सराहें। और ये एक रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर है, जैसे कि हर एक लाइफ में राज कपूर साहब कभी भी अपनी फिल्म के अंदर इमोशंस को नहीं छोड़ते थे। आजकल पूरी दुनिया में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कमर्शलाइज हो गई हैं, लेकिन जब ये फिल्म आप देखेंगे तो दैट विल डायरेक्टली टच योर हार्ट। तो ऐसा लगता है कि हाँ, किसी एक बंदे ने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो डायरेक्ट आपको, आपके दिल को छूती है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सब इस प्यार, इस फिल्म को देखें और बहुत सारा प्यार दें। सर, जो लोग ने अभी रोल प्ले किया है बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, बहुत ही उम्दा एक्टर्स हैं, और हमें खुद को ऐसा लग रहा है कि इतने सालों बाद एक फिल्म हमें ऐसी मिली है जहाँ पर हमें यू नो परफॉर्म करने का एक एक फ्रीनेस, एक फ्रीडम, और उसके साथ में दिल की बात जुबान पे आने की जो बात है। क्योंकि ये हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है पूरी राइटर्स फोरम है, मुझे ये लगता है कि अभी जो ये चल रहा है, जो डायलॉग्स जिस तरीके से लिखे गए हैं वो इतनी ब्यूटीफुल तरीके से निभाए गए हैं, और उस स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो उसका जादू कुछ अलग ही होगा। सर, ये फिल्म देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि ये फिल्म दिल से बनी गई है और ये फिल्म भी एक दूसरे के दिल को छूती है। आजकल जो हम फिल्में देखते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में जो आती हैं, वो ज़्यादातर मेनली कमर्शलाइज होती हैं, कमर्शियल एंगल, कमर्शियल व्यू से सब देखते हैं। लेकिन ये फिल्म जब आप देखोगे तो आपको लगेगा, मैं अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आके ये फिल्म को देखें तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली एक दिल से दूसरे दिल का इमोशन कैसे जुड़ता है। तो आप प्लीज़ देखें इसको। थैंक यू सो मच। फिल्म का नाम है मैं राज कपूर हो गया, 17 फेब को रिलीज़ हो रही है ऑल इंडिया। गाने का नाम है एक तारा हूँ। बेसिकली आई वांट टू यूज़ आवारा हूँ सॉन्ग, बट हुआ ये था कि आवारा हूँ के लिए मुझे सारे गामा पाने 1 करोड़ रुपया मांगा एक सॉन्ग के लिए। तो मैंने आवारा हूँ जैसा ही गाना एक तारा हूँ बनाया। जब आप फिल्म देखेंगे आपको एकदम वही गाने की याद आएगी, एक तारा हूँ पर टूटा हूँ। ये मेरा अभी सॉन्ग है जिसको हमने लॉन्च किया है। इसके अलावा मैंने राज कपूर साहब को ट्रिब्यूट किए मेरी फिल्म, जो मैं आर के स्टूडियो में आया हूँ। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, राज कपूर साहब ने बंगला बनाने से पहले ये स्टूडियो बनाया था, यहाँ से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी। जब उन्होंने अपना प्रोफेशनल कैरियर यहाँ से स्टार्ट किया तो मैंने सोचा मैं जब उनके साथ उनके नाम को यूज़ करके एक फिल्म बना रहा हूँ तो मैं भी यहीं से स्टार्ट करूँगा। तो दिस इज़ द बिगनिंग ऑफ माई मूवीज़ कि मैं अपनी फिल्म यहाँ से प्रमोट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, और कपूर साहब के गेट पर आज खड़ा हूँ जहाँ वो खुद इतने सालों से आए थे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात है और गर्व की बात है और बहुत खुशी है मुझे। सर, कितने एक्साइटेड है सर, फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, नर्वस है? सर, बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म के लिए। बस एक चीज़ जानता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मैंने फिल्म भी जैसे मैं से बनाई है मैं जानता हूँ, और मेरे पास प्रमोट करने का भी पैसा नहीं है। मैंने कैसे कैसे किधर किधर से करके सर एक बहुत अच्छी हार्ट टचिंग मूवी बनाई, लेकिन मुझे लगा था कि लोग इसको सोशल मीडिया पर फैलाएंगे तो फिल्म मेरी हिट हो जाएगी और चल जाएगी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है सर। सोशल मीडिया भी आज पैसा मांग रहा है। मैं रील बनवाता हूँ तो लोग बोलते हैं पैसा दे दो,
मैं चैनल में जाता हूँ किसी में, तो लोग बोलते हैं भैया आपको हमारा प्रोमो चलाना है इसके लिए इतने करोड़ दे दो। अब मेरे पास पैसा नहीं है। मुझे लगा था कोरोना के बाद कि पब्लिक में मीडिया पे इतनी पावर होती है कि वो छोटी सी मूवी को भी बड़ा बना सकती है अगर वो डिज़र्व करती है। तो मैं मीडिया को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरी फिल्म डिज़र्व करती है, आप लोगों के लिए मैं प्रेस शो रख दूंगा एक दिन पहले, अगर रिजर्व करती है मेरी मूवी तो प्लीज़ उसको इतना लोगों को पहुँचा दीजिए कि लोग मेरी फिल्म देखें, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने अच्छी मूवी बनाई है। मुझे जवाब मिला कि अच्छी मूवी बनाने से फिल्म नहीं चलती है, देखने कौन आएगा, आप कैसे बताओगे लोगों को अच्छी है, पैसा लगेगा उसके लिए। सो सर मेरे पास पैसा उतना था नहीं, मैंने दिल से एक बहुत अच्छी मूवी बनाई है, मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे आप चाहे दो जगह मेरी फिल्म की न्यूज़ पोस्ट करें, वो अगर 10 लोग भी देखने आएंगे, बस मेरा इतना वादा है आप लोगों से, चैलेंज है कि मैंने वैसी फिल्में नहीं बनाई है जैसी आप रोज़ देखते हो कि कहीं आप देख रहे हो कि कमर्शियल मूवी एक जैसी फिल्में बन रही हैं, 50 वही सीक्वेंस आप देख रहे हो। मेरी फिल्म की हर चीज़ आपको रियल लाइफ से उठी हुई आम आदमी की कहानी मिलेगी। कपूर फैमिली को स्क्रीनिंग रखेंगे? हाँ सर, उनके लिए स्क्रीनिंग रख रहा हूँ। रणधीर कपूर जी से मेरी बात हो चुकी है, उन्होंने मुझसे बोला है कि आप दिखाइए आपने क्या बनाया है, तो शायद जल्दी में उनके घर पर जाके उनको फिल्म दिखा रहा हूँ। राज कपूर साहब को आपने कितना फॉलो किया है? सर राज कपूर की मिमिक्री नहीं की इसमें मैंने, मैं उसका फ़ैन हूँ, मैं उनको भगवान मानता हूँ, उनको मिमिक कर नहीं किया मैंने, उतनी मेरी ताकत भी नहीं है कि मैं राज साहब जैसा परफॉर्म कर पाऊँ। मैंने मानव सोहल की तरह परफॉर्म किया है जो मेरा अपना किरदार है और मैं वैसा ही है, लेकिन मेरी लैंग्वेज इसमें चौल के झोपड़पट्टी वाले लोगों की है, ये हाला अपन तो इधर ही छिड़ते ना अपन, राज कपूर साहब अपने घोड़े ही और उनके गाने अपन के लिए भजन ही, दिस इज़ द करेक्टर इन दिस फिल्म। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।